हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव पाठशाला। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो गाइस, ये वीडियो है यूएफएम के बारे में। जैसा कि आपको पता है, सीएचएसएल 2018 डिस्क्रिप्टिव का जो रिज़ल्ट है वो फरवरी के एंड में आया था, और उसके बाद देखा गया कि यूएफएम को किस तरह मिसयूज़ करके बहुत सारे एस्पिरेंट को फेल कर दिया गया है। जीरो मार्क्स बैठा दिए गए हैं उनके कॉपी में। तो उसी के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, लगातार ट्विटर कैंपेन भी चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई भी प्रॉपर जो इसका हल है, सॉल्यूशन है, वो निकल कर नहीं आया है। और कोई भी जवाब एसएससी की तरफ से, कमीशन की तरफ से प्रॉपर जवाब नहीं आया है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आप देख सकते हैं कम्युनिटी में हमने एक पोस्ट डाला है जो कि उसी के रिगार्डिंग है। और तो इस बार आपको जो है मास, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ट्वीट करना है, ठीक है? जो भी बड़े बड़े एडुकेटर हैं उनके अगर इसके रिगार्डिंग ट्वीट कर रहे हैं तो उसको आप रीट्वीट कीजिए, ठीक है? आप भी ट्वीट कीजिए और इसका समर्थन ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको बेवजह फेल कर दिया गया है मिसयूज़ करके यूएफएम का, तो ऐसा ना हो। और आने वाले टाइम में, जैसा कि आपको बताया भी गया कि देखिए, एमटीएस में 90,000 प्लस 95,000 के लगभग में एस्पिरेंट है जो कि डिस्क्रिप्टिव दिए थे। और आरटीआई की कॉपी भी हमने आपको दिखाई थी, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या एमटीएस में जो है वो यूएफएम होगा या नहीं होगा। तो वहाँ से आंसर आया था, वहाँ से जो रिप्लाई था कमीशन से, वो ये था कि एमटीएस में भी पहला पेज जो होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर का, उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखे गए थे तो उसमें सारी बातें जो हैं वो लिखी गई थी, और यूएफएम होगा, ठीक है? तो एमटीएस या फिर सीएचएसएल, माफ़ कीजिएगा, सीजीएल का जो रिज़ल्ट आने वाला है डिस्क्रिप्टिव का, तो उसमें इस तरह की, मतलब ना इंसाफ़ी ना हो एस्पिरेंट के साथ, इस तरह मिसयूज़ ना हो, तो इसीलिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। ये दो पोस्ट जो है, ठीक है, ये दो जो पोस्ट हैं इसको आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो, और स्टडी ग्रुप में जो भी फ्रेंड्स हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं, उन सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 मई को आपको ट्विटर कैंपेन चलाया गया है, 27 मई 2020, ठीक है? आपको ट्विटर पर ट्वीट करना है और हैशटैग क्या यूज़ करना है आपको, यहाँ पे देख दीजिए, MOS हैशटैग MOS, ठीक है, डॉक्टर सिंह हेल्पर्स, ठीक है? तो ये आपको हैशटैग यूज़ करना है। और अधिक जानकारी के लिए, मतलब इसके रिगार्डिंग जो भी सारी डिटेल्स वगैरह हैं वो आपको MTS के ग्रुप में मिल जाएगी। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, वहाँ जुड़िए आप, वहाँ पर इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि आगे जो भी एस्पिरेंट हैं उनको ऐसी दिक्कत ना झेलनी पड़े, ठीक है? क्योंकि 2-3 साल की मेहनत चुटकी में बर्बाद हो जाती है, वो भी ना गलती करते हुए भी। तो यह एक बहुत ही, मतलब, निराशाजनक बात है। तो इसीलिए सबको सपोर्ट कीजिए आप लोग, ठीक है? ट्वीट कीजिएगा ज़रूर 27 को, और आपको उसी दिन ही ट्वीट करना है, ठीक है? ये नहीं कि आपको, मतलब, अगले दिन करें या फिर जो दिन, तो आपको 27 को ही ट्वीट करना है। टाइम वगैरह आपको सब कुछ ग्रुप में मिल जाएगा कि कब से करना है, कितने बजे से करना है, ठीक है? तो ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा ग्रुप में कोई भी क्वेरी हो आपका तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको आंसर कर दिया जाएगा। तो यही अपडेट थी गाइस जो कि आप लोगों तक पहुँचानी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।